இமாச்சல பிரதேசத்தில் 11,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நீர்மின் திட்டங்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று அடிக்கல் நாட்டினார். மேலும் தில்லியில் குடிநீர் பற்றாக்குறையை தீர்ப்பதற்கான ரேணுகஜி அணை திட்டத்திற்கும் பிரதமர் அடிக்கல் நாட்டினார். கூட்டுறவு கூட்டாட்சி எனும் பிரதமரின் தொலைநோக்கு திட்டத்தின் கீழ் இமாச்சல பிரதேசம், உத்தரப்பிரதேசம், ஹரியானா, ராஜஸ்தான், உத்தரகாண்ட் மற்றும் தில்லி ஆகிய 6 மாநிலங்களை ஒருங்கிணைத்து இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இந்த திட்டம் தலைநகர் புதுதில்லியின் குடிநீர் விநியோகத்திற்கு பெரிதும் உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மாண்டியில் நடைபெற்று வரும் அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் பேசிய பிரதமர், 30 வருட காலம் நிலுவையில் இருந்த ரேணுகஜி அணை திட்டத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டியிருப்பது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக தெரிவித்தார். சாத்தியம் ஹமாரி சர்க்கார் பூரி சம்வேதன்சீலதா கே சாத் சதர்க்தா கே சாத் आपकी हर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निरंतर काम कर रही है. अब सरकार ने तय किया है कि 15 से 18 साल के बच्चे बीच जो बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, उनको भी 3 जनवरी सोमवार से वैक्सीन लगाना शुरू हो जाएगा. तीन जनवरी सोमवार से अभियान शुरू होने वाला है. मुझे विश्वास है हिमाचल प्रदेश इसमें भी शानदार काम करके दिखाएगा. देश को दिशा देने का काम हिमाचल करके रहेगा. हमारे जो हेल्थ सेक्टर के लोग हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, वो पिछले 2 साल से कोरोना से लड़ाई में देश की एक बहुत बड़ी ताकत बने हुए हैं. उन्हें भी 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज देने का काम शुरू होगा. 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें भी डॉक्टरों की सलाह पर प्रिकॉशन डोज का विकल्प दिया गया है. ये सारे प्रयास हिमाचल के लोगों को सुरक्षा कवच तो देंगे ही, यहां के लिए जरूरी टूरिज्म सेक्टर को भी बचाने में और आगे बढ़ाने में ये बहुत मदद करेंगे. साथियों, हर देश में अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, लेकिन आज हमारे देश के लोग स्पष्ट तौर पर 2 विचारधाराओं को देख रहे हैं. एक विचारधारा विलंब की है, दूसरी विचारधारा विकास की है. विलंब की विचारधारा वालों ने पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की कभी परवाह नहीं की. चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, लोगों की बुनियादी सुविधा देने का काम हो, विलंब की विचारधारा वालों ने हिमाचल के लोगों को दशकों तक इंतजार करवाया. इसी वजह से अटल टनल के काम में बरसों का विलंब हुआ. रेणुका जी परियोजना में भी 3 दशकों का विलंब हुआ. उन लोगों की विलंब की विचारधारा से तद्दन अलग हमारा कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए है, तेज गति के विकास के लिए है.